इस वीडियो में दुनिया की एक और अक़लियती ज़ुबान में वो तदाबीर बयान किए गए हैं जिनको अपनाकर कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है और इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। मीनो नसीम हैदर शत्रोली असरती दिशा संगी में ताल्लुक हूँ मैं जुबान पालूला आज मत शाम थे अनि अनि वीडियो है मुख्तसरन करोना वायरस के बारे की आप यह काम दो करोना वायरस दशे लबी मेरी कनाब फैलाव भेन कनाब ढकेन लसी इलाज बगुबा और लसी एड़े भी मेरे दी कनाब तेन जान साथ कनाब बच करोना वायरस आक ढकेट मरजीन एड़े मरज आ इंसान दी दुई इंसानत है ढके पाकिस्तान वे बल्कि पूरे दुनिया वे एड़े भी मेरी बीड़ तेजी की फैलाव गए नहीं बीड़ खलक कर रोज़ाना मुतासिर भाना और हज़ारों खलक का तिपानती एड़े भी मेरे की मुड़ाना एड़े भी मेरी अलामात गुबा खाई गोला इंसान बीड़ ज्याद खुशाम या गरुड़ शिलेनी या मोबाड हकलोनू या तसी बदन बुठे शिलेनी ऐसो इंसान वायरस एड़ वायरस की मुतासर हो सो एड़े भी मेरे दी कना थे जान साते अंडे लाई दपारा आकति शयोम दी बीड़ एहतियात जरूरी अगरचे करोना वायरस ही तिपांति का इलाज नहीं लेकिन एड़े एहतियाती तदाबीर असिम थी रहा था गन गह एड़े भी मेरी दी बेहतरी जान महफूस आता भाई करे भी कसे संगी मिला बुला हाँ था हाथ न फैदे डेव खास कर ऐसा खलकीन दी बीड़ एहतियात हैं डेव की एड़े भी मेरी दी ऐसा मुतासिर होना कसे संगी हाथ मिलाव न थे डेव कसे संगी गड़बड़ा न थे डेव तेणी घोष्टा हमेशा बेचे डेव ज्यादा धरन धरना नहीं खेण डेव देसी बार बार कतिजली तेणी हाथ आ साबुन हिंद हैं डेव खुसला हाँ था या जस्तला हाँ था तेणी हाथ नस्ती या तो न ढकें डेव बल्कि टिश्यू पेपर गिन या बहन था तेणी मुठी दे नास कशें डेव या तो कशें तेणी हाथ आ सैनिटाइजर इस्तेमाल थे डेव ध्रंत है करेग लग गया हाँ था मास्क इस्तेमाल थे डेव एनी आकती शया दी असम एहतियात थी ले हाँ था इंशाल्लाह एड़े भी मेरी दी बेहतर एग्जाम बच सकता हुआ याद साथ डेव की करोना वायरस कहीं नहीं ले अगर चिला इलाज आ तिपांती लसी का इलाज न भी लेनी लेकिन एहतियात थी रहा था एड़ मरज दी वे तेजान साता भैया इन्हीं बात याद साते हैं डेव की हर किस्म जुकाम या खूसी या जिस्ते नहीं खही नीड़े करोना ना पाकिस्तान वे बल्कि पूरे दुनिया वे 97% खलक खही ना एड़े भी मेरी थी सेहत याद बलाना एड़े भी मेरी दी बच भई द पारा एहतियात तो बीड़ जरूरी लेकिन एति भीली इति ज्यादा भीली बजाने डेव की बस बीड़ खतरनाक था 97% खलक ना सती पानती सेहतमंद बनाना
شکریہ.